Hello everyone, today we will discuss Weiss theory of ferromagnetism. To explain the phenomena of ferromagnetism, Weiss proposed a hypothetical concept of ferromagnetism or ferromagnetic domains. He postulated that the neighboring atoms of the ferromagnetic materials, due to certain mutual exchange interaction, form several number of small or very small regions called domains. Weiss theory of ferromagnetism is also called domain theory of ferromagnetism. It has following points. The domains which are aligned approximately along the direction of the applied magnetic field grow in size at the cost of unfavorably oriented domains. That is, those aligned opposite to the field direction get reduced. In other words, the domain boundaries move so as to expand the favorable domains. Also, domains rotate and orient themselves in the direction of the external magnetic field. In the presence of the weak magnetic field, the magnetization in the material occurs mostly by the process of domain growing. But in the strong magnetic field, the material is magnetized mostly by the process of domain alignment. When the field is removed, the domain boundaries do not recover their original position, and thus the material is not completely demagnetized, but some residual magnetization or magnetism remains in it. तो जो domain theory है वो ferromagnetic material को explain करती है. चुंबकन के आधार पर अनुचुंबकीय और लो चुंबकीय पदार्थों में अंतर चुंबकन तीव्रता में बहुत अधिक अंतर के कारण होता है. लो चुंबकीय पदार्थ वास्तव में ऐसे पदार्थ होते हैं जो अनुचुंबकीय अवस्था में रह सकते हैं, परंतु बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर अतिशीघ्र और प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं. अनुचुंबकीय पदार्थों की भांति लो चुंबकीय पदार्थों में प्रत्येक परमाणु के अपूरित कोष में विद्यमान इलेक्ट्रॉनों के प्रचक्रणों के परिणाम स्वरूप स्थायी चुंबकीय आघूर्ण होता है, परंतु लौह चुंबकीय पदार्थों के अंदर परमाणु के अंदर कुछ जटिल अन्योन क्रियाएं होती हैं, जिसके कारण वॉइस के अनुसार पदार्थ के अंदर परमाणु के असंख्य अतिसूक्ष्म आकार के प्रभावी क्षेत्र बन जाते हैं. इन्हें डोमेन कहते हैं. प्रत्येक डोमेन में 10^17 से 10^21 तक परमाणु होते हैं, जिनके चुंबकीय आघूर्णों की दिशाएं एक दिशा में अलाइंड होती है, परंतु पड़ोसी डोमेन के परमाणुओं के चुंबकीय आघूर्णों की दिशा से भिन्न होती है. इस प्रकार प्रत्येक डोमेन बिना बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के ही सैचुरेशन मैग्नेटिज्म की अवस्था में रहता है. प्रत्येक डोमेन ब्लॉक वॉल द्वारा अन्य डोमेन से पृथक रहता है. पदार्थ की सामान्य अवस्था में ये डोमेन अनियमित रूप से बिखरे रहते हैं. अर्थात डोमेन वो क्षेत्र होते हैं जिसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन के जो स्पिन होते हैं वो एक ही डायरेक्शन में होते हैं, और इसके कारण जो सामान्य अवस्था में डोमेन रेंडमली ओरिएंटेड होते हैं, इसलिए परिणामी चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है, परिणामी चुंबकन शून्य होता है, जैसा कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं फर्स्ट वाले में. और अनुचुंबकीय अवस्था में लौह चुंबकीय पदार्थ के चार डोमेन और उसके चुंबकीय आघूर्णों की संभावित दिशाएं दिखाई गई पहले चित्र में. अब जो डोमेन की दीवार या जो ब्लॉच वॉल है उनकी डायरेक्शन है या उसका जो वॉल का मूवमेंट है वो दूसरे चित्र में दिखाया गया, और डोमेन का जो रोटेशन है वो तीसरे डायरेक्शन में दिखाया गया. तो जब लौह चुंबकीय पदार्थों को किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो पदार्थ का जो परिणामी चुंबकीय आघूर्ण है वो दो तरीके से बढ़ सकता है. पहले तो एक्सपेंशन ऑफ बाउंड्रीज ऑफ द डोमेन, डोमेनों के परिसीमाओं के विस्तार द्वारा, और दूसरा जो है वो डोमेन के घूर्णन द्वारा, बाय द रोटेशन ऑफ द डोमेन्स. तो पहला लेते हैं वे डोमेन जिससे परमाणुओं के चुंबकीय आघूर्णों की दिशाएं अर्थात प्रचक्रण बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होते हैं, तो उनकी सीमाओं का विस्तार होता है अर्थात वो आकार में बढ़ते हैं, और जिन डोमेनों के जो स्पिन है वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के भिन्न दिशा में होते वो आकार में घटते हैं. इस प्रकार डोमेनों के परिसीमाओं का विस्तार पदार्थ में दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर होता है.
लेकिन अगर हम इसको प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर डोमेन जो है वो घूम जाते हैं। तो ये जो इस तरीके का घूमने का जो द्वारा रोटेशन या डोमेनों के घूर्णन के द्वारा प्रबल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में जो घूर्णन है वो सामान्यतः प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में होता है। इस प्रकार जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं उसमें जो डोमेन्स होते हैं वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर या तो अपनी दीवारों की सीमाओं में विस्तार के द्वारा या फिर घूर्णन के द्वारा स्थायी चुंबकीय आघूर्ण प्राप्त कर लेते हैं। और जैसे ही बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटाया जाता है तो इसमें जो डीमैग्नेटाइजेशन पूरी तरीके से नहीं हो पाता और कुछ न कुछ चुंबकत्व आघूर्ण बना रहता है।